नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज हम मौजूद हैं धर्मपुर विधानसभा में, जहां लगातार हम विधानसभाओं का कूच कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता की क्या राय है, क्या है ऐसे वो तमाम मुद्दे जिस पर जनता को सोच विचार करके अब इस बार मतदान में अपना अंगूठा लगाना है। तो इसी की प्रक्रिया के साथ आज हम धर्मपुर विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी जो है वो है विनोद चमोली जी, और इसके अलावा जो कांग्रेस से खड़े हो रहे हैं वो है दिनेश अग्रवाल। तो इसी के साथ हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस विधानसभा का क्या होने वाला अहम मुद्दा, और इसके अलावा जनता की क्या प्रतिक्रिया है इस बार कि वो किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट देंगी, और क्या उनकी विधानसभाओं में काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। तो सर, आप हमारे साथ मौजूद है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है यहाँ विधानसभा में क्या क्या कार्य हुए हैं? यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। यहाँ जो हमारे विधायक थे माननीय चमोली जी के, जो आज प्रत्याशी है भाजपा, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। नंबर एक, उन्होंने जो जन जन जल योजना है वो उसको लागू करके वो हर कॉलोनी के अंदर उसको उसके पाइप बिछ चुके हैं, गैस पाइप बिछ चुकी है, और साथ में यहाँ पर रोडों की काफ़ी समस्या थी, रोडों को अच्छी ढंग से उसको मरम्मत की गई है और अच्छे मतलब ढंग से उसको सजाया गया है। यहाँ तक कि उनकी जो आगे की भविष्य की जो प्लानिंग है उसमें उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि वो लोग यहाँ पर 584 करोड़ का जो बजट है उसके द्वारा सीवर लाइन, ड्रेनेज और पक्की रोड का जो मेंटेनेंस कार्य सारा संपन्न होगा और रोडें पूरी पक्की होगी। तो आपके वैसे आपके विधानसभा से क्या ऐसा मुद्दा होने वाला है जिस पर काम होना चाहिए और जिसके जिसकी सोच रखकर अब आपकी बार वोट दिया जाए? मेन सोच ऐसी हमारी जो सोच है कि नौजवानों को रोज़गार मिले और क्षेत्र में और भी अच्छी सुविधाएं आए, लोगों के लिए अच्छे पार्क बने और घूमने के लिए मंदिरों में अच्छे सा उसका सौंदर्यकरण हो जी। ये हमारी चीज़ें हैं, और भी जो प्रोग्रेस है जिस तरह हम स्मार्ट सिटी के तरफ देहरादून को ले जा रहे हैं, उसमें मेरे को लगता है कि हमारे मेयर जी और हमारे जो विधायक जी है चमोली जी, वो इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है इस बार कौन सी यहाँ से कौन विधायक बनेगा? मेरी जहाँ तक सोच है और मेरे को लगता है जहाँ तक कि माननीय विधायक जी, विधायक चमोली जी को यहाँ से लोगों को भारी बहुमत से उन्हें विजयी बनाएंगे। हमारा यही उनके साथ हमारा भी साथ रहेगा और हम भविष्य में मतलब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जय हिंद जय भारत। तो मैं अब आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है यहाँ से अब क्या चुनावी मुद्दा होने वाला है इस विधानसभा से? इस विधानसभा से चुनाव तो मतलब अच्छे निकलेंगे। प्रणाम, जो हमें नए नेता मिले हैं धामी जी, उनसे हमें बहुत उम्मीद है। अच्छा, तो पर यहाँ क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि क्या विकास कार्य नहीं हुए हैं जो होने चाहिए थे? वैसे सारे क्षेत्र में विकास तो हुए हैं, सड़कें बनी हैं, लाइटें लग गई हैं, सब काम हो रहा है। तो सब काम हुआ है आपके हिसाब से, इस बार कौन जीतेगा इस विधानसभा से? तो बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। तो आपका कहीं ना कहीं मानना है कि विनोद चमोली जी आएंगे? और क्या चाहते हैं कि आप इस क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए? इस क्षेत्र में जो ये सड़कें, स्कूल है, जैसे स्कूल बंद रहते हैं, स्कूल के लिए सुविधा होनी चाहिए, बच्चों के लिए साफ सफाई है, जो भी है सब चीज़ होनी चाहिए जी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्षेत्र में क्या क्या काम होने चाहिए थे इस विधानसभा में? क्षेत्र में जैसे जैसे काम होने चाहिए वैसे कुछ काम हो गए हैं, कुछ रह गए हैं इसमें। जैसे एक शौचालय नहीं बना, यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं बड़े अंतरात्मा से यहाँ से या इधर बंजारा वाला चौक से, वो ये कह रहे हैं एक तो शौचालय नहीं, जैसे महिला या उसके लिए होना चाहिए अवश्य जो है, और बाकी जो है इधर उधर जो कार्य हैं साफ सफाई वगैरह वो। इसके अलावा आपको क्या लगता है कौन सी सरकार यहाँ पर बननी चाहिए जो साफ सफाई शौचालय का काम करे? सरकार तो हम ये नहीं करें, सरकार जो ये जो भी आए वो अच्छी अच्छी वो साफ सफाई वही करे ना इसमें। अच्छा, तो आपका मानना है जो भी सरकार आए वो साफ सफाई और काम अच्छा करे? हाँ, काम अच्छा करे ना, वो इस पर डिपेंड मत रहे ना कि साहब ये इसने काम नहीं किया और उसने काम नहीं किया, कांग्रेस ने काम नहीं किया, वो कहेंगे बीजेपी ने काम नहीं किया।
सरकारों दोनों की रही 5-5 साल जो है ना, तब उस समय लोग भूल जाते हैं ना। अच्छा। ये इसमें और जो बेचारे इधर उधर जो जिनकी होनी चाहिए सहायता उनकी तो होती नहीं ये इसमें। तो आपके क्षेत्र की ये समस्याएं हैं कि शौचालय होना चाहिए था यहाँ पर और तमाम चीज़ों की बात जैसे कि इन्होंने करी, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं नहीं है और जो होनी चाहिए। तो बंगाली कोटी में उन्होंने कहा जो शौचालय की बात कही वो होना चाहिए क्योंकि आप कहीं भी बाथरूम करने की सुविधा नहीं आती। अच्छा। चौक है, ऑटो वाला है, दुकानदार है, कोई नहीं है। दूसरा चमोली जी ने ब्रह्मपुरी में एक तो जल हर घर जल दिया, सीवर लाइन बिछाई, ये बढ़िया काम करा। पर जो ब्रह्मपुरी में मैदा मिल से ब्राह्मण वाले की सड़कें टूटी हुई हैं वो बननी चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत बुरा हाल है सड़क का, वो बननी चाहिए। और दूसरा काम चमोली जी ने बढ़िया किया है, इस बार सरकार वही आ रही है। और एक ये चीज़ और करनी, सरकार ने कहा था कि ऑटो वालों को 2000 रुपये महीना देंगे 6 महीने तक। अच्छा। और फॉर्म भरा है मतलब बहुत कम लोगों का आया और जिन्हें नहीं मिला वो मिलना चाहिए 2000 रुपये ना, जैसे काम बन रहा। किस चीज़ के लिए 2000 का था? सरकार ने कहा था लॉकडाउन में 2000 रुपये देंगे ऑटो वालों को 6 महीने तक, तो उसमें हमने आर्थिक सहायता में कहा था, फॉर्म भरे 2 बार भर दिए, तो मतलब 2-4 कोई सहायता नहीं हुई आपकी? ना हमारी नहीं हुई, 2-4 थोड़ों का आया मगर बहुत सारे इनका नहीं आया, वो सहायता मिलनी चाहिए। अच्छा, तो इसके अलावा क्या है आपके और कुछ और सुविधाएं आपको इस विधानसभा से? नहीं अभी तो सही है, चमोली जी काम कर रहे हैं, इस बार वही आएंगे। अच्छा, तो आपको लगता है विनोद चमोली जी इस बार यहां से आएंगे? हां। और इसके अलावा क्या उम्मीदें हैं आपकी उनसे कि इस बार अगर वो जीतने तो वो क्या काम करें इस विधानसभा के लिए? विधानसभा के लिए तो साफ सफाई का काम, दूसरा रोड जो थोड़ी बहुत जो वैसे बना रहे हैं जो कहीं टूटी हुई बनवाए, क्योंकि कई रोड हैं जो 5 साल से बनी ही नहीं। अच्छा। जहाँ से मैं तो, कह रहा हूँ ब्राह्मण वाला, ब्रह्मपुरी वाली, वो बननी चाहिए। तो आपका क्या मानना है कि आपकी इस विधानसभा से क्या बड़ी बड़ी समस्या होने वाली? समस्याएं तो बहुत हैं खैर, मगर मेन समस्या हमारे आगे आती है मैम, एक तो मेडिकल और दूसरा अपना ये शिक्षा भी, शिक्षा पे लेके बहुत ज़्यादा है, हम लोग जो है नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते आज की डेट में। अभी किसी स्कूल से भी हम टीसी लेते हैं मैम, वो पूरे हमारे से 3 साल या 2 साल के हमारे से मांगते हैं, कहते हैं भाई जमा करो तब आपको टीसी मिलेगी। अब इसके टीसी में पैसा मैम हम पर डे कमाने वाले, काम 3 साल से रहा ही नहीं बिल्कुल, मार्केट हमारी ख़त्म हो चुकी है, होटल लाइन और गाड़ी लाइन, इसके लिए थोड़ा कुछ हमारा सरकार कुछ, मैं आग्रह करूंगा सरकार से कुछ अगर ऑटो लेन पे या ड्राइवरी लेन। इसके अलावा क्या हो सकती हैं बड़े बड़े मुद्दे जो इस विधानसभा से उठने वाले हैं इस बार? बड़े मुद्दे में तो खैर काफ़ी सारे, अब मैं तो पहले तो यही कहूंगा यहाँ का जो डेवलपमेंट है, मैं मेन राजधानी बनी है, इसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए एक प्लानिंग के साथ, अभी मेरे को तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई प्लानिंग से काम हो रहा है। सिस्टम जैसे आज अपना चंडीगढ़ हो गया, बड़ी सिटियाँ जितनी भी बनी है वो प्लानिंग के साथ बनी है, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली, अब तो यहाँ जो हो रहा है एक सिस्टम कुछ मेरे को नहीं दिख रहा है कि सही सिस्टम से प्लानिंग, सब कुछ सिस्टम से होना चाहिए आपका मानना है? एक राजधानी बनी है तो नहीं तो डेवलप नए तरीके से होना, आम पब्लिक को ये करके या पुराने मकानों को तोड़ के उसमें क्या होगा मैम, अलग से डेवलप हो उसका तो और भी बेस्ट रहेगा जी। तो इस बार फिर आप किसको वोट देंगे? मैम मोदी जी को। मोदी जी को? मोदी जी को वोट देंगे? विनोद चमोली जी मतलब? अच्छा, तो उनसे आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? मेन उम्मीद तो हमारी शिक्षा विभाग और मेडिकल है पहले जी। ठीक है। मेन उस पे थोड़ा तो हमारा भी थोड़ा उससे सारा मिलेगा हमें, हम नहीं बच्चों को पढ़ा पा रहे आज के डेट में, हमारे पैसा नहीं होता एक टाइम, मतलब यही है कि दिहाड़ी मजदूर है, लगी लगी नहीं लगी तो हफ्ते तक घर में बैठे हुए। तो आपकी ये है मुख्य समस्या है, तो कहीं ना कहीं ऑटो वालों की ये समस्या है कि स्कूल भी बंद है तो इस कारण जो बच्चों की आवाजाही होती थी ऑटो वगैरह में तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में क्या विकास नहीं हुआ? इसमें सब विकास हुआ है, सीवर का लाइन 284 करोड़ रुपये मंजूर हो गया, मोदी जी भी आए थे और सारा सीवर का जो है प्लांट यहाँ से अब कल परसों में मतलब काम चालू होने वाला है और सारी समस्याएं ठीक हो गई, पेयजल की सुविधा ठीक है और बिजली ठीक है, सब चीज़ ठीक। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से और कोई ऐसा चुनावी मुद्दा होने वाला है इस विधानसभा से? हाँ, चुनावी मुद्दा ये होगा कि मतलब विकास हो रहा है, यही मुद्दा है, कानून व्यवस्था ठीक है, यही है। तो आप किसको जिताने वाले हैं इस बार? हम तो मोदी जी को, मोदी जी और क्या नाम है धामी जी। अच्छा, तो आप मोदी जी और धामी जी, यानी कि इस विधानसभा से विनोद चमोली जी। अच्छा, तो उनसे क्या उम्मीद है आपकी कि अगर वो जीते तो फिर वो क्या करें इस विधानसभा के लिए? विकास करेंगे। अच्छा,
अच्छा। जैसे पहले विकास करेंगे, अगर कोई और आया तो विकास रुक जाएगा। अच्छा, तो आपका मानना है कि अगर कोई और आता है चमोली जी के अलावा तो इस क्षेत्र का विकास रुक जाएगा? कांग्रेस तो विकास तो उसने बिल्कुल पतन किया, भ्रष्टाचार फैलाया है, ये मतलब आपका जो है हर एक जगह भ्रष्टाचार ही हुआ। पहले पार्षद कांग्रेस का था तो यहाँ किसी को दिखाई नहीं, पार्षद किसे कहते हैं। आज हमारे यहाँ देखिए रोड भी साफ रहती है सुबह शाम, हाँ सुबह 6 बजे यहाँ सारी चीज़ ठीक हो जाती है। अच्छा, तो आपका क्या मानना है इस क्षेत्र से, क्या क्या लगता है आपको, विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं? मैम बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कौन सरकार सबसे बढ़िया काम कर रही है इस क्षेत्र के लिए? हमारे लिए तो बीजेपी सही है। बीजेपी सही है आपके? हाँ जी। अच्छा, तो इसके अलावा और क्या प्लानिंग है आपकी कि इस बार कोई भी सरकार आए तो आपके लिए क्या काम करे, इस क्षेत्र के लिए क्या काम करे? काम तो ठीक ही हो रखा मैम, अब आगे क्या करना है। काम तो हमारे हिसाब से ठीक है। अच्छा। सरकार से क्या चाहिए, रोड और पानी चाहिए, ये तो राशन वगैरह ठीक ठाक मिल ही रहे हैं हम लोग के, वो क्या किसान वाले 2000 रुपये आ ही रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो अब तमाम लोगों से और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस विधानसभा से क्या है हाल, कौन सी पार्टी इस बार अपना परचम लहराएगी और जनता की समस्याएं क्या क्या है। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ, सड़कें टूटी हुई हैं। अच्छा। लाल पुल से लेके मोथरा वाले तक, कारगिल चौक, ये सारा टूटा हुआ है। अच्छा। सड़कें का बुरा हाल है, गाड़ियाँ आपने टूट रही हैं तो उनकी आपने मरम्मत के कौन देगा पैसे? गवर्नमेंट तो देने से रही है, अपनी जेब में से खर्चा करेंगे रिपेयरिंग का? सरकार ने यहाँ पे सड़कों की व्यवस्था नहीं ठीक करी, बिल्कुल नहीं करी। और क्या क्या लगता है आपको इस विधानसभा में क्या क्या विकास कार्य नहीं हुए हैं जो होने चाहिए थे? सड़कें बन जाए और क्या, सड़कें बने प्रॉपरली, सब कुछ पास हो रखा है तो आपने बनी नहीं रही सड़कें। अच्छा, तो सड़कें नहीं बन रही, और आप किसको जिताओगे इस विधानसभा से, विनोद चमोली या दिनेश अग्रवाल? ये नहीं हम कुछ कह सकते, दोनों आदमी बढ़िया हैं। आदमी बढ़िया है, किसने काम सबसे अच्छा किया? दोनों काम अच्छा करते हैं। अच्छा। दोनों अच्छे आदमी हैं। अच्छा। दिनेश अग्रवाल तो और ये चमोली जी, ये अपने दोनों अच्छे आदमी हैं। पर आपने तो बात कही कि यहाँ पे सड़कें नहीं बनी, वो नहीं बनी, तो फिर ये तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी थी ना? नहीं, ये उनकी नहीं, ये यहाँ पे अपने पार्षदों की कमी है। अच्छा, पार्षद की कमी है, पार्षदों की कमी है। ठीक है, आइए और लोगों से जानते हैं कि क्या है असल वजह। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इस विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या काम हुए? इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं और बाकी रह रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे माननीय विधायक विनोद चमोली जी हैं, जो उन्होंने अभी अभी हाल में ही कम से कम हमारी जो पूरी विधानसभा उसमें 585 करोड़ का काम लाए हैं वो। अच्छा। जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ दिन पहले परेड ग्राउंड में आए थे तो उनके माध्यम से हुआ था, जिसमें हमारे देहरा खास में कम से कम 92 करोड़ का काम है, जिसमें सीवर लाइन का काम है, डैमेज है आपका, सड़कें हैं, नालियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक काम और अच्छा किया है, जो हर बार क्या होता था कि जैसे ही सड़कें बनती थी, नालियां बनती थी, तो वो क्या होता था कि कभी सीवर लाइन के लिए रुक जाती थी कि सीवर लाइन से वो नाले फिर दोबारा उखड़ती थी, फिर उसमें क्या बोलते पानी की जो लाइन डालते थे उसके लिए रोड टूटती थी, तो 5 साल पूरा ऐसे ही काम होता था। लेकिन माननीय विधायक जी ने इस बार ऐसा किया कि जो टेंडर जिस भी कंपनी को दिया है वो कंपनी उस टेंडर को पूरे 5 साल लगातार मेंटेन करेगी और एक साथ ही सारी सीवर लाइन डलेगी और एक ही साथ ही सड़कें बनेंगी। अच्छा, तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या क्या ऐसी तमाम समस्या हो रही है इस विधानसभा में और क्या ऐसा चुनावी मुद्दा होने वाला है इस विधानसभा में? देखो, चुनावी मुद्दा तो हमेशा एक ही रहता है कि विकास कार्य होने चाहिए। आपने देखा होगा कि 2 साल तो लगभग जो हमारे माननीय विधायक जी के हैं 2 साल लगभग कोरोना काल में गए हैं। आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे लोग को मिलने से तरस रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे माननीय विधायक जी ने मोदी किचन के माध्यम से हमारे जो विधानसभा उसमें कम से कम 56 किचन मोदी किचन चलाए हैं, जिसके माध्यम से गरीब लोगों को खाना घर घर तक पहुँचवाया है और काफ़ी काम किए हैं। और वो खुद भी, उनका पूरा परिवार भी पॉजिटिव हुआ है, जिसमें वो कम से कम 8 दिन ICU में भी भर्ती रहे हैं। तो उनका बहुत कार्यकाल अच्छा गया है और आने वाले समय में यहाँ की क्षेत्र की जनता उनको जिताने के लिए लगी हुई है। तो आपको लगता है कि इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं विनोद चमोली जी? बिल्कुल बिल्कुल, इस क्षेत्र से विनोद चमोली जी भारी मतों से विजयी होंगे। अच्छा, और इसके अलावा जो अपोजिट पार्टी से कांग्रेस से दिनेश अग्रवाल है, उनका क्या कहना है? उनके लिए तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, वो एक ऐसे हैं वो कि वो 5 साल में एक ही बार दिखते हैं। पूरे 5 साल लगातार जब कोरोना काल रहा तो वो कभी भी घर से बाहर नहीं आए। अच्छा।
और हमारे माननीय विधायक जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे माननीय विधायक जी हमेशा क्षेत्र में रहे हैं, तो वो सिर्फ जब भी आते हैं तो 5 साल में एक ही बार आते हैं, वो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं और जनता को बगलाने का काम करते हैं कि मैंने विकास कार्य किए हैं। अगर उन्होंने विकास कार्य किए हैं तो आज विनोद चमोली जी को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है विकास कार्य करने के लिए? जहाँ पर सीवर लाइन नहीं थी वहाँ पर सीवर लाइन लाने का काम हमारे उन्होंने किया है विनोद चमोली जी ने। आप अभी यहाँ से आए होंगे, आपने गुरुराम राय के बराबर में देखा होगा, यहाँ पर एक जो रेलवे का जो ब्रिज पुल है वो भी माननीय विधायक जी के नेतृत्व में बना, वो तीन बार के मंत्री रहे हैं, वो भी काम नहीं करा पाए, जिससे यहाँ की जनता को रेस कोर्स जाने में बहुत दिक्कतें होती थी। आम जनमानस को वो घूम के आता था बहुत दूर से, क्या धर्मपुर से जाता था या रेलवे स्टेशन के पार से घूम के आता था, पटड़ी पार करके जाता था, जिससे अन्य दुर्घटनाएं भी होती थी। लेकिन हमारे माननीय विधायक जी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि रेलवे ब्रिज बनवाया जिससे कि आम जनता वहां जा सकती है। ठीक है, तो मैं आपके पास आती हूं, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या लगता है आपको यहां पर कितना विकास कार्य हुआ है इस क्षेत्र में, क्या कर रहे हैं इस वक्त? विकास कार्य तो ज़्यादा हुआ है, विकास कार्य बहुत काफ़ी हुआ है, और बाकी जो देखो काम जो बढ़िया काम होता है उसमें समय लगता है, और आप रोड देख ही रहे, रोड में गड्ढे हैं कोई दिक्कत नहीं, मगर रोड के काम बढ़िया होंगे, ढंग से होंगे, तरीके से होंगे, इसमें शीवर भी पड़नी है, पाइप लाइनें भी पड़नी है, गैस लाइनें भी पड़नी है, और रोडें भी उसके बाद दोनों तरफ नाली भी बननी है, रोड भी बननी, तो उसमें समय लगेगा। और उसके साथ साथ क्या है, हमारी सरकार क्या है, जो हमारी बीजेपी सरकार है वो उसमें 5 साल का मेंटेनेंस भी है, जो पहली बार हो रहा, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो सरकार मेंटेनेंस 5 साल के लिए रखती है, सारा काम होने के बाद में भी 5 साल उसी कंट्रेक्टर को दिया जाएगा, वही काम देखेगा जो 5 साल उसका मेंटेनेंस भी रखेगा। यहाँ से क्या चुनावी मुद्दा होने वाला है इस क्षेत्र से? चुनावी मुद्दा एक तो हिंदुत्व का मुद्दा है, पहला मुद्दा है हिंदुत्व का, हिंदुत्व पे हम वोट करेंगे और हिंदुत्व पे ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है। अभी आपने बीजेपी हिंदुत्व पे चुनाव लड़ रही है, हिंदुत्व पे चुनाव लड़ रही है, और अभी क्या हुआ आप देख रहे हो, क्या नाम कांग्रेस के जो दिनेश अग्रवाल और ये क्या नाम हरीश रावत जी क्या बयान दे रहे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो भी देवभूमि में, जो संभव ही नहीं, जो संभव ही नहीं, तो इसमें क्या क्या गलत है? गलत ये है, सबके लिए होना चाहिए, सब चीज के लिए होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि हाँ जी सिर्फ उन्हीं के लिए यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बात कही कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो सभी वर्ग के लोग पढ़ेंगे। नहीं, सभी लोग वर्ग कैसे पढ़ पाएंगे उसमें, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सभी वर्ग के लोग कैसे पढ़ेंगे, ये चीजें गलत है। तो आपको लगता है हरीश रावत जी और जो अकील अहमद थे कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने गलत बयान दिया? बयान दिया जी, बिल्कुल। हिंदुत्व पर भाजपा चुनाव लड़ रही है इस बार, हिंदुत्व पे लड़ रही है और पूर्व बहुमत में आएगी, दोबारा आ रही है बड़ी बहुमत में। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हिंदुत्व मुद्दे पर जो है भाजपा सरकार इस बार चुनाव लड़ रही है, और कहीं ना कहीं ये भी देखने को बाकी लोगों से भी मिल रहा है कि हिंदुत्व मुद्दा इस बार चुनाव में बहुत ही तेजी से फैलेगा। तो मैं आपसे भी जान लेती हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये हिंदुत्व मुद्दा हो रहा है इस बार? नहीं, सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, जैसे कि भाई ने बोला है अभी हिंदुत्व मुद्दे को लेकर, हमारे यूपी में योगी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कार्य जो भी हो रहा है सब बेहतरीन हो रहा है। राम मंदिर का हुआ, आपको पता ही है, बहुत टाइम से हमारा ये पेंडिंग पड़ा था, एक मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था, जो कि अब जाके हुआ है। तो इस क्षेत्र से आपको क्या लगता है कि क्या है चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा देखो ये है कि जो हमारे कार्य चल रहे हैं, जो अभी टेंडर पड़ रखे हैं नालियों के लेके, अपने गैस लाइन के लेके, जितने भी सारे टेंडर हैं, ये सब पूरे 5 साल के लिए मेंटेन रखे जाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जब हमारा कोरोना काल था उस टाइम पे दिनेश अग्रवाल जी कहाँ थे, कहीं पे नज़र नहीं आए। जो हमारे माननीय विधायक जी हैं विनोद चमोली जी, उनके द्वारा काफ़ी लंबे समय तक मोदी किचन चलाई गई, जिसमें हर वर्ग के बंदों ने आके खाना खाया, भोजन खाया, जिसमें गरीब थे सब परेशान थे। वो समय एक ऐसा दौर था, अच्छे अच्छे लोग बहुत परेशान हुए हैं, तो मिडिल क्लास बंदा बहुत परेशान हुआ है, सबके काम बंद हो गए, रोजगार बंद हो गए, गरीब बंदा कहाँ से खाएगा। तो उस टाइम पे हमारी मोदी किचन चली है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या लगता है कि कौन सी सरकार आई? सरकार तो बीजेपी आनी है। अच्छा, तो बीजेपी आपको लगता है, और इस क्षेत्र से? इस क्षेत्र से ही बीजेपी आएगी। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि अगर बीजेपी सरकार आती है, फिर से विनोद चमोली जी आते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या कार्य होने चाहिए जो अभी तक नहीं हुए? कार्य तो यहाँ पे चल ही रहे हैं, देखिए अगर हमारे चमोली जी ने ही आना है, और जो हमारे अभी रोडों के काम है, नालियों के काम है, ये सारे चल ही रहे हैं, अभी इस टाइम पे काम सारे हो रहे हैं, और हमारा सीवर लाइन का काम है वो भी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी, अभी हमारे चमोली जी भारी मतों से विजय होंगे तो उसके बाद सारे काम किए जाएंगे।
ठीक है, तो इनका मानना है कि अगर चमोली जी फिर से जीतता है तो वो फिर से विकास कार्य जो है प्रगति पर रहेंगे और तमाम कार्य चलेंगे। जी जो हमारे माननीय विनोद चमोली जी हैं उनको हर एक कैंडिडेट हर एक बंदा जानता है, हर एक लोग जानते हैं कि चमोली जी ने कैसा काम किया है कैसा नहीं किया है, तो उनको जो इतना संघर्ष करना पड़ रहा है वो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मानना तो ये है कि चमोली जी हमारे भारी मतों से जीतेंगे। जी तो अब तमाम लोगों से और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस विधानसभा क्षेत्र का क्या है हाल। क्या लगता है आपको इस विधानसभा में क्या ऐसे कार्य हैं जो अभी भी अधूरे हैं? कार्य तो अभी कुछ कार्य ऐसे लग रहे हैं तो दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं धर्मपुर विधानसभा में बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नगर निगम के द्वारा और विधायक जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं यहां पर लेके आ रखे हैं। जिसमें बता दूं आपको कि पेयजल लाइन, कई करोड़ रुपए की पेयजल लाइन का कार्य यहाँ पर हो चुका है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सड़कों में खड्डे हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर एक तो गैस लाइन का काम चल रहा है, इसके अलावा सीवर लाइन का काम यहाँ पर होना है। मैं खाली आप लोगों को देरा खास की बात करूँ इस क्षेत्र के आसपास की, तो लगभग 100 करोड़ रुपये यहाँ पर स्वीकृत हो रखे हैं ADB के माध्यम से, जिसमें जो है 5-7 दिन में यहाँ पर सीवर का काम शुरू होने वाला है। कुछ जगहों पर सीवर का काम चल भी रहा है, उसके बाद सारी सड़कें बनेगी और ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, बहुत बड़ा यहाँ पर काम होने वाला है। इसके अलावा 3 वार्ड और भी हैं जिसमें 584 करोड़ रुपये स्वीकृत हो रखे हैं। माननीय मोदी जी ने इसका जो है परेड ग्राउंड से उद्घाटन भी करा था, और मुझे लगता है धर्मपुर विधानसभा माननीय विधायक विनोद चमोली जी के द्वारा एक आदर्श विधानसभा अगले 5 साल तक बनने जा रही है, जिसका उदाहरण भी जो है पूरे देश में भी दिया जाएगा इस तरह से। तो जो अपोजिट पार्टी के कांग्रेस के दिनेश अग्रवाल हैं, तो उनका कार्यकाल किस टाइप का? उन्होंने 5 साल मंत्री रहे, उसके अलावा 15 साल विधायक रहे, उनके द्वारा कोई ऐसे काम नहीं किए गए। तो इस क्षेत्र में कुछ नहीं करा उन्होंने, कोई काम उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अब चाहे तो ISBT के पास की देख लें, वहाँ दुनिया भर का पानी बरसात में लोगों का निकलना दुभर हो जाता है, और लगभग जो है तिवारी जी के समय से जब वो मुख्यमंत्री थे हमारा यहाँ का RO भी पास था रेलवे भंडारी बाग से और त्यागी रोड के लिए, जो कि नहीं हुआ। अब माननीय विधायक जी के विनोद चमोल जी के प्रयास से वो काम हमारा यहाँ पर शुरू हो चुका है, जो कि दिख भी रहा होगा। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है इस विधानसभा में? माहौल पूरा BJP की तरफ है। BJP की तरफ? तो दिनेश अग्रवाल जी जो अपोजिट पार्टी से हैं कांग्रेस से, उनका क्या हाल है? कुछ नहीं है उनका, अगर 15 साल के कैबिनेट मिनिस्टर रह के भी कुछ नहीं कर पाए तो हमारे प्रत्याशी तो सिर्फ विधायक ही रहे ना, तो उसमें जितनी कमी है सारी दिनेश अग्रवाल जी की ढकते ढकते 5 साल तो वही निकल गए, बीच में कोरोना भी रहा। अब की गारंटी है कि 5 साल पूरा विकास रहेगा इसमें। क्या क्या ऐसे विकास कार्य मुद्दे होने वाले हैं इस विधानसभा से? देखिए मेन तो सिविल लाइन का था, मेन उस पर पूरा फोकस है और उसका बजट भी हो गया, अब काम चालू होने के को है बस। अच्छा, तो काम चालू नहीं हुआ है अभी? नहीं, अभी तो आचार संहिता है, उसमें कैसे काम चालू होगा, बस जैसे चालू होगा तो उस पर प्रगति पर रहेगा काम। अच्छा, तो इसके अलावा और कोई यहाँ से चुनावी मुद्दा होने वाला है इस बार? नहीं, कोई और वैसा कुछ नहीं है। वैसे अगर दिनेश अग्रवाल जी वैसा कुछ करेंगे मुद्दा तो करेंगे, अपनी तरफ से हमारी तरफ से सिर्फ विकास का मुद्दा है बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो आपका क्या मानना है इस पर कि क्या लगता है आपको क्या विकास कार्य मुद्दे होने चाहिए यहाँ पर? विकास कार्य तो हो ही रहे, सभी आदमी बहुत खुश है, नाराजगी तो यहाँ पर किसी की थोड़ी बहुत है वो इन्होंने पूरी कर दी, मतलब नाराजगी तो थोड़ी बहुत ही जो थी ना अब वो अब नहीं है, अब तो जो है ना हर आदमी बहुत खुश है और इसमें हम जो है ना हम भी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और विकास कार्य सभी के साथ। दिनेश अग्रवाल जी यहाँ पर क्या 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 स्थिति है उनकी इस वक्त? देखो उनकी पहले जो इमेज थी ना वो अभी इतनी नहीं थी, अब तो जो है ना अब तो जो उनको जो है अब तो वे काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके हैं। अच्छा, किस तरीके से कमज़ोर पड़ चुके हैं? देखो अब तो उनके हाथ में कुछ है नहीं, अब तो वो जो है ना इतने वे कर नहीं पा रहे कुछ भी। अच्छा, और थोड़ी बहुत जो इमेज थी अब तो हमारे चमोली जी हैं जो विकास कार्य कर रहे हैं इन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोगों से। तो अगर वो जीतते हैं तो फिर आप क्या चाहते हैं कि इस विधानसभा की कैसे दशा बदलेगी? तो हमारे चमोली जी बदलेंगे, हमें तो पूरा प्रयास है और पूरी उम्मीद है। मैं तो क्या क्या कार्य करने हैं उन्हें अगर जीतने के बाद? जीतने के बाद वो तो अभी सभी के सामने है, जो भी हो रहे हैं अच्छे होंगे। जी, थोड़ा जी
तो जैसे कि इन्होंने बताया कि तमाम लोगों से हमने भी बातचीत की, तो सबका मानना यही है कि विनोद चमोली जी अभी अच्छा काम कर रहे हैं, दिनेश अग्रवाल भी पूरी बराबरी की टक्कर दे रहे हैं, जैसा कि हमने तमाम लोगों से बातचीत करके निर्णय निकाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ मैं निशी भाटिया, नमस्कार।